हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजली आती रहे। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ हमारे पास क्या बोलता है, हसन वाइज टू काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। आपको बोला गया है कि हसन हमारे पास क्या है, उसने दो तरह के कपड़े का मटेरियल खरीदा, एक उसने ट्राउजर के लिए और एक उसने शर्ट के लिए। तो शर्ट का जो कपड़ा था वो ₹1.50 का था और हमारे पास जो ट्राउजर का मटेरियल का जो कॉस्ट थी वो ₹90 पर मीटर थी। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही वाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। उसने क्या किया फिर कि हर 3 मीटर, अगर उसने शर्ट का 3 मीटर कपड़ा लिया तो साथ ही साथ उसने 2 मीटर कपड़ा लिया किसका, ट्राउजर का। मतलब हर 3 मीटर बाद उसने क्या किया, 2 मीटर का ट्राउजर कपड़ा खरीदा। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने क्या किया, 12% का प्रॉफिट, एक बार 12% के प्रॉफिट बेचा और साथ में 10% के प्रॉफिट में उनको बेच दिया। तो आपको बोला गया है कि टोटल सेल उसकी इतनी हुई, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो इतना है, तो उसने ट्राउज़र कितने में ख़रीदा होगा, ठीक है ना। ट्राउज़र का मटेरियल बताया था हमें, अब कितना कपड़ा था वो हमें कुछ पता नहीं था, कितना लंबा या कुछ भी हमारे पास। तो हमें क्या करना है, पहले हमारे पास क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 12% प्रॉफिट के ऊपर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एक बार 10% के ऊपर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और टोटल सेलिंग प्राइस हमें भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उससे हमारे पास निकल जाएगा फिर ट्राउजर का मटेरियल कितने में उसने खरीदा था, ठीक है। सेवन क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू ₹50, ठीक है। ₹50 का मटेरियल था 1 मीटर का कॉस्ट, तो उसको लिख लिया। फिर ट्राउजर के 1 मीटर की कॉस्ट थी 90, तो वो लिख लिया हमने। फिर मैंने क्या बोला था आपको, 12% का उसने शर्ट के लिए प्रॉफिट सेलिंग प्राइस जो था, बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। तो सेवन्थ क्वेश्चन में मैंने लिख लिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल दी थी हमें 50, ट्राउजर का 1 मीटर की कॉस्ट दी थी ₹90, तो वो लिख ली। अब हमारे पास क्या बोला था कि शर्ट के ऊपर 12% का प्रॉफिट हुआ और ट्राउजर के ऊपर 10% का, तो उनका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले हम शर्ट का, तो वन शर्ट की सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास ₹50 में उसकी कॉस्ट प्राइस थी, है ना। तो ₹50 में कितना प्रॉफिट हुआ, 12% प्रॉफिट हुआ हमारे पास। तो मैंने क्या किया, 50 प्लस 12% ऑफ 50, क्योंकि उसने जो बेचा हमारे पास उसने क्या किया, 50 उसको मिले, साथ ही साथ क्या हुआ, उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। तो 50 प्लस 12% ऑफ 50, तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, परसेंट को लिख लेंगे हम 100 में, 12% का मतलब हो गया 12/100, कटिंग होगी हमारे पास, तो कितना जाएगा, 50 प्लस 12/2, तो 2 1 2 2 6 12, तो आ गया हमारे पास 56। तो मतलब एक शर्ट की जो हमारे पास सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 56 था। उसके बाद क्या बोला था हमारे पास कि 10% का प्रॉफिट हुआ उसको ट्राउजर के ऊपर, 1 मीटर ट्राउजर के ऊपर। तो सिमिलरली हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, देखो तो 90 प्लस 90, तो उसको ने कॉस्ट प्राइस थी इसी, लेकिन उसको 10% का, किसका 10%, 90 का 10% उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का मतलब प्लस हुआ, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10% ऑफ 90 यहाँ पे निकाल दिया, परसेंट का मतलब हो गया 10/100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, कटी करके बचता है 90 प्लस 9 और हो गया 99 हमारे पास। तो मतलब 1 मीटर ट्राउजर की जो कॉस्ट, सॉरी सेलिंग प्राइस है वो 99 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला था उसके बाद कि उसने शर्ट मटेरियल 3 मीटर, हर 3 मीटर के ऊपर उसने 2 मीटर का ट्राउजर खरीदा, हर 3 मीटर शर्ट के ऊपर उसने 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदा। तो अब मेरे को पता नहीं कि कितना कपड़ा खरीदा, तो मैंने क्या कर दिया, 3x और 2x मिल गया, मतलब रेशियो दिए ना मैं 3:2, एक तरह से कि 3 के ऊपर 2 खरीदा हमारे पास, तो मैंने क्या लिख लिया, 3x और 2x लिख लिया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, एक शर्ट की सेलिंग प्राइस थी 56, कितनी शर्ट हमारे पास होगी 3x, तो 3x मल्टीप्लाई 56 प्लस एक ट्राउजर का हमारे पास सेलिंग प्राइस था 99, तो 2x ट्राउजर का कितना हो जाएगा, 99 मल्टीप्लाई 2x, तो टोटल हमारे पास आ गया ये सेलिंग प्राइस, इसको मल्टीप्लाई और प्लस करके बन गया 366x, ठीक है। हमने क्या किया अभी तक, मैंने सेलिंग प्राइस निकाला एक शर्ट का,
फिर सेलिंग प्राइस निकाला हमारे पास एक ट्राउजर का। उसके बाद क्या किया हमने, उसका लिख लिया कि कितना कितना हमारे पास कपड़ा में यूज करना है वो लिख लिया, और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दिया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि सेलिंग प्राइस इनको हमें दिया भी हुआ है हमारे पास ये, तो सेलिंग प्राइस 3366x के इक्वल हो जाएगा। ये हमने अपने आप निकाला और ये बुक में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके कितने आ गया, एक्स आ गया 100 हमारे पास। ठीक है, तो मैं ट्राउजर मटेरियल पूछा था, तो ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू कितनी है 100, मतलब 200 मीटर। तो मतलब उसने जो कपड़ा खरीदा था ट्राउजर के लिए वो कितना खरीदा था, 200 मीटर। हमारे पास 8th क्वेश्चन है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको बोला गया हमारे पास एक खेत में आधे डियर का जो झुंड हमारे पास है वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग होता है चरना, चर रहा है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और बोला कि जो 3/4 हमारे पास डियर है हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, साथ ही में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नज़दीक ही खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल, बाकी जो बच गए 9 वो क्या कर रहे हैं, जो पॉन्ड हमारे पास है उससे पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड, तो बोला कि जो पूरे झुंड में कितने डियर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहला काम हो जाएगा कि टोटल ही जो डियर हमारे पास है उसको मैं एक्स मान लूंगा। फिर क्या बोला गया कि आधे क्या कर रहे हैं, आधे घास चर रहे हैं, कुछ हमारे पास खेल रहे हैं और कुछ पानी पी रहे हैं। तो तीनों को प्लस करके हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल डियर बन जाएंगे। तो इसका आंसर करते हैं, लेट नंबर ऑफ डियर बी एक्स। तो मैंने क्या कर दिया, जो नंबर ऑफ डियर टोटल जो डियर थे उसको मैंने एक्स मान लिया। अब क्या बोला गया था हमारे पास कि द नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने क्या लिख दिया, कितने यहाँ पास चर रहे हैं घास। तो हमें क्या बोला गया था कि आधे जो है टोटल्स का जो आधा होगा वो हमारे पास क्या कर रहा है, चर रहा है, हाँ बोला था। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, एक्स है, तो मतलब एक्स अपॉन टू क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, अब कितने बचे वहाँ पास, देखो एक्स टोटल था, एक्स अपॉन टू ने घास चर लिया, तो कितने बचे वहाँ पास डियर रिमेनिंग, कितने बचे टोटल से मैंने इसको माइनस करके इतने बच गए वहाँ पास। ठीक है, समझो ध्यान से कि टोटल हमारे पास एक्स थे, फिर क्या हुआ, आधे ने क्या कर दिया, घास चर ली, बचे कितने, इतने बच गए हमारे पास। फिर क्या बोला आपके पास कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इन द फील्ड, कि कितने हमारे पास क्या कर रहे हैं, खेत में खेल रहे हैं। क्या बोला कि जो रिमेनिंग का 3/4 है वो खेल रहा है, ये दिया था क्वेश्चन में। तो रिमेनिंग कितने थे हमारे पास, एक्स अपॉन टू, और उसका 3/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/8, 4 2 8, 3/8। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करेंगे कि कुछ क्या कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे पानी, कितने 9, तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू 9। तो मैंने क्या कर दिया, ये निकाल दिए कुछ जो घास चर रहे थे, जो खेल रहे थे और जो पानी पी रहे थे, तीनों को निकाल दिया। अब टोटल डियर हम निकाल सकते हैं, टोटल डियर कैसे हो जाएगा, तीनों को प्लस करके। तो ये हमारे पास हो गया जो चर रहे थे घास, ये हमारे पास हो गया जो पानी पी रहे थे, और हमारे पास ये हो गया हमारे पास जो खेल रहे थे, तीनों को प्लस करके हमारे पास टोटल डियर आ गए। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डियर हमने कितना माना है, एक्स। तो मतलब इनको प्लस करके क्या बन जाएगा, एक्स, टोटल डियर बन जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लिया, मैं ले लिया यहाँ पे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, 1 2 8 का एलसीएम आ गया 8। इसको सॉल्व किया कैसे करते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया सिंपली प्लस माइनस करके इक्वल टू 9। यहाँ से 8 चला गया दूसरी साइड हमारे पास, इसको सॉल्व करके हमारे पास बन गया 72 हमारे पास। उसके बाद क्या किया मैंने, एक्स वाई टर्म को एक साइड कर लिया, तो सारी एक साइड होगी हमारे पास, इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 1 2 8 का हमारे पास 8। ठीक है, और 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया पास 1, तो 1x बचा अपॉन 8 और इक्वल टू 9। 8 चला गया दूसरी साइड, तो 8 9 72, और x हमने माना था टोटल डियर, तो मतलब हमारे पास टोटल हिरन कितने थे, 72 थे, जिनमें से कुछ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, कुछ पानी पी रहे थे और कुछ घास चर रहे थे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।